नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश और आज हूँ विजया देवी मंदिर यानी कि बीजा मंडल विदिशा में। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि देश को नया संसद भवन मिल चुका है, तो उस संसद भवन का जो मूल डिजाइन है या मूल स्वरूप है वो कहाँ से लिया गया? वो लिया गया है इसी विजया देवी या बीजा मंडल मंदिर विदिशा से, जो कि विदिशा में अशोकनगर विदिशा जो बाईपास है मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर अंदर स्थित है। तो यह मंदिर एकदम से क्यों चर्चा में आया, आइए हम इसको जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि संसद भवन जो मौजूदा अभी नया बनाया गया है, इसका मूल डिजाइन कहाँ से आया? तो इसका मूल डिजाइन आया है विजया देवी मंदिर विदिशा से, जिसे कि अब हम बीजा मंडल के नाम से भी जानते हैं। बीजा मंडल का निर्माण 10वीं और 11वीं सदी के मध्य परमार राजाओं ने किया। परमार राजा नरदेव वर्मन, जिनका कि कार्यकाल 1094 से लेकर 1133 तक जाता है, उनके कार्यकाल में इस मंदिर का निर्माण कराया गया। यह मुख्यतः तीन मंजिल पर है। पहली मंजिल, जैसा कि अभी हम जाके देखेंगे कि मंदिर में है क्या, और दूसरी मंजिल पर 15 सीढ़ी हैं, उसके बाद मुख्य प्रवेश द्वार है। यह मंदिर बीजा माँ विजयासन देवी को समर्पित था, लेकिन इसके पीछे कुछ लोगों का तर्क है कि यह विजया मंदिर के पहले भी एक मंदिर हुआ करता था जो कि नाग मंदिर था। उनका तर्क है, उसमें मजबूती इसलिए है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नागवंश जो कि पाटलिपुत्र से राज किया करते थे, उनका राज विदिशा तक भी फैला हुआ था, जो कि पहले एक बेसनगर नाम का एक ग्राम तक ही सीमित था, जो बेतवा और बेस नदी के संगम पर स्थित था। तो नागवंश ये राजाओं के कारण हो सकता है कि यहाँ पहले नाग मंदिर भी रहा हो। उनके पक्ष में वो कुछ तर्क भी देते हैं कि इसे कैसे नाग मंदिर कहते हैं, तो आइए हम उन तर्कों को भी देखते हैं। जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि 6 सीढ़ी पहले पायदान पे हैं। हम 6 सीढ़ी जैसे ही चढ़ के जब हम ऊपर जाते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरा पायदान भी शुरू होता है। यहाँ पर की लगभग 15 सीढ़ी हैं, यह शायद मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो कि प्रवेश द्वार साबित कर सकती हैं। यह पत्थर पर संरचना दी है, यह संरचना शायद वही होगी, क्योंकि पुराने ज़माने में जो किवाड़ लगाए जाते थे लकड़ी के बड़े दरवाजे, तो उनको इस पत्थर में फंसाया जाता था। इसे यहाँ की भाषा में घुगा भी कहते हैं। और दूसरा, जब हम इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पर भी एक लगभग वैसी ही संरचना है। इसके बाद जब हम जैसे ही दूसरी मंजिल पे जाते हैं, लगभग 15 सीढ़ी पार करके, तो हमें सामने एक मंदिर के दर्शन होते हैं जो कि विजया देवी या कि बीजा मंडल कहलाता है। पहले यह विजया देवी मंदिर कहलाता था। जैसे ही हम ऊपर चढ़कर आते हैं तो हम दोनों तरफ देखते हैं कि दरवाजे के एकदम ऊपर एक कोने पर एक ये चिन्ह बना हुआ है, तिकोना, जो कि शायद नाग का सूचक है। और इसके थोड़े से ही पीछे यहाँ पर भी एक चिन्ह बना हुआ है गोल, जो कि शायद चक्रव्यूह या इस मंदिर की प्रदक्षिण पथ का नक्शा होगा, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से प्रवेश करने के बाद ऐसे गोल गोल घूम के और ये बाहर जाने का रास्ता है। हम जब से ही थोड़े और आगे जाते हैं तो जब हम मंदिर के दूसरे दरवाजे के दूसरे सिरे पे जाएंगे तो यहाँ पर एक मानचित्र बना हुआ है। यह मानचित्र संभवतः मंदिर का रहा होगा कि पहले जब ये मंदिर अपने पूर्ण स्वरूप में था तो कितना भव्य और विशाल था। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यह मंदिर एक विशाल पत्थरों से है, यह एक परमारकालीन मंदिर है। जैसे ही हम अंदर आते हैं तो हम मूल नायक या कि गर्भगृह की तरफ आते हैं, लेकिन ये अभी बंद है क्योंकि मामला विचाराधीन है, तो यहाँ पर अंदर जाने की मना ही है। यह मंदिर का प्रवेश द्वार है, अंदर यहाँ से सिंहासन भी दिखाई देता है। ये विशाल पत्थरों की संरचनाएं हैं।
यह जो संरचना है यह कमल की आकृति है जो कि संभवतः छत पर रही होगी या छत पर ये पत्थर को उल्टा रखा गया होगा जिससे कि नीचे से कमल की संरचना दिखाई दे। और इसके साथ ही ये जो पत्थर हैं ये किसी पिलर के ऊपर के होंगे जो कि ऊपर छत को इसी पत्थर पर इन्हीं पत्थरों पर टिकाया गया होगा जिससे कि छत को मजबूती प्रदान करें। यह एक पत्थर है जो कि लगभग 2.5x2 का है वर्गाकार और इसमें आर पार 5 छेद हैं। इसमें देखने वाली ये बात ये है कि इसके जो पांचों छेद हैं इनका जो डिस्टेंस है वो हर एंगल से लगभग बराबर है और इसकी चौड़ाई भी लगभग 1 फिट है। ये मंदिर के अवशेष हैं। ये जो हमें चिन्ह दिखाई दे रहा है ये श्री का चिन्ह है, ये एक नाग चिन्ह है। इसके अलावा यहाँ पर ओम श्री इत्यादि के भी चिन्ह दिखाई देते हैं। मंदिर का निर्माण बहुत ही विशालकाय चट्टानों को काट कर किया गया है और उस पर नक्काशी की गई है। कुछ पुरातत्वविदों का तो ये भी मानना है कि ये जो मंदिर के ऊपर नक्काशी है ये पत्थर को पिघला कर ये नक्काशी की है। पत्थर का पिघलना मतलब पत्थर को इतने ज़्यादा तापमान पर या टेम्परेचर पर गर्म करना कि वो लावा का रूप ले ले और उससे ये नक्काशी की गई है। कुछ पुरातत्वविद ऐसा भी मानते हैं। ये जो आप मेरे सामने संरचना देख रहे हैं ये एक जलचरी है। जलचरी मतलब कि बेदी जिस पर कि शिवलिंग स्थापित किया जाता है लेकिन यह कालांतर में क्षतिग्रस्त हो गई है। अभी हम मंदिर को दूसरे भाग से भी देखेंगे। जैसे ही हम मंदिर के दूसरे भाग में आते हैं तो इस तरफ भी बिल्कुल वैसी ही डिजाइन और नक्काशी है जैसी कि बाएं भाग में थी। अभी हम ये मंदिर के दाएं भाग में हैं। मंदिर पूर्व मुखी था तो कुछ लोग ये तर्क भी देते हैं कि शायद ये मंदिर पहले सूर्यदेव को समर्पित रहा होगा लेकिन मध्यकाल में मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस तरफ भी मंदिर के वही सेम हैं जैसे कि ये जो संरचना है ये श्री लिखा हुआ है, ये एक नाग का चिन्ह है। तो कुछ लोग जो कि इसे एक नाग मंदिर मानते हैं कि ये विजया देवी मंदिर के पहले नाग मंदिर रहा होगा जो कि नागराज वंश के राजाओं जिनका कि प्रमुख राजा शिशु नाग था। नागवंश वही नागवंश जो कि जय हम महाभारत में जब हम पढ़ते हैं तो जरासंध नाम का एक राजा हुआ करता था पाटलिपुत्र में जिसका कि भीम ने वध किया था भगवान श्री कृष्ण की सहायता से। तो जरासंध के बाद जो उत्तराधिकारी हुए वो अत्यंत दुर्बल हुए और मगध पर जो कि आजकल पाटलिपुत्र का एरिया पटना का एरिया कहलाता है मगध पर नाग राजाओं ने अधिकार कर लिया और उन नाग राजाओं का राज्य उज्जैनी तक था। विदिशा उनके ही राज्य में एक बहुत ही समृद्ध शहर था तो शायद इसका निर्माण उन्होंने किया हो। लेकिन जो नया संसद भवन बना है जैसा कि हम जानते हैं ये इसी की 3D डिजाइन है। जब हम इसको एरियल व्यू यानी आसमान से ऊंचाई से देखेंगे तो इसका डिजाइन बिल्कुल नए संसद भवन की तरह ही दिखाई देता है। ये बीजा मंडल के भग्नावशेष हैं जो कि यहाँ वहाँ बिखरे हैं। इनमें देवता रुद्र इत्यादि हैं। बीजा मंडल प्रांगण में ही एक 8वीं या 9वीं सदी की एक कुआ या बावड़ी भी है तो आइए अब हम उसको भी देखते हैं। मंडल परिसर में स्थित बावड़ी या कुआ है जो कि लगभग 80 फीट गहरा है। इस कुएं की खासियत ये है कि ये आकार में चौकोर है जबकि जो भी कुएं होते हैं वो गोलाई लिए होते हैं। और इस कुएं का जो प्रवेश द्वार है वो यहाँ से है। जैसे ही हम कुएं में प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं 2 खंभे हैं जिन पे कि देवता नृत्य कर रहे हैं जिनमें कि भगवान कृष्ण की भी छवि अंकित है। और यहाँ से कुएं में प्रवेश करते हैं तो ये पहला द्वार है। 10 फीट के अंतर पर पहला द्वार है तो अभी हम कुएं में लगभग 10 फीट नीचे आ चुके हैं। यहाँ पर ये दोनों आले हैं जो कि संभवतः जो लोग पानी लेकर ऊपर आते होंगे
थक जाते होंगे तो वो अपना सामान रख सकते हैं, या फिर कुछ लोग का ये भी मानना है कि इनमें दर्पण लगाए जाते थे जिसकी कुएं या बावड़ी में पर्याप्त रोशनी रहे। ये 10 फीट नीचे से पानी है, तकरीबन कुएं में अभी 40 से 50 फीट पानी है और 30 फीट ऊपर ही ये है। इसके बाद अभी हम देखेंगे एक नई चीज़ जो कि मुझे भी पता नहीं थी और ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगी, तो आइए हम जानते हैं कि वो है क्या। तो जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम एक नई चीज़ जानेंगे जो कि बहुत कम लोगों को पता है, तो ये जो आप संरचना देख रहे हैं ये काल है और ये इसके मुंह में ये नरमुंड है जो कि मानव जाति है जो इसके मुंह में समा रही है, तो इसमें समाने के बाद ही हम फिर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो शिव मंदिर होते हैं उनमें हम देखते हैं कि शिव जी तक पहुंचने के पहले जो मंदिर का प्रवेश द्वार होता है वहां पर काल क्यों, ये संरचना क्यों बनाई जाती है, उसका तात्पर्य यही है कि पहले हम काल के गाल में जाएंगे उसके बाद ही हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो ये था पूरा बीजा मंडल। अगर आप लोगों को मेरे ये छोटे छोटे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय दे सकते हैं, और अगर मेरे प्रयास पसंद नहीं आ रहे तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।